भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को इंदौर में संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक महेंद्र हाडिया, सुदर्शन गुप्ता सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे कैलाश ने यहां कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। टैलेंटेड इंडिया से विशेष बातचीत में विजयवर्गीय ने दल बदल की राजनीति पर अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में गए संजय सिंह के भाजपाई होने की खबरों को नकारा। भाजपा के संजय सिंह थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि भाजपा की गतिविधियों में कभी नहीं देखा। मेरी जानकारी के अनुसार तो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं थे किसी। इस दौरान विजयवर्गीय ने भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में इंदौर का नाम नहीं होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सही समय पर इंदौर के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस किसी को भी लड़ाए, हमारे लिए कांग्रेस बिल्कुल चुनौती नहीं है इंदौर में, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार पहले आए उसके बाद हम घोषित करें, इसके में आवश्यकता ही नहीं। कोई भी लड़े हमारे सामने, हम दो की नई सीटें जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा में मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र की सभी सीटों पर वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने इस बार चुनाव में मालवा निमाड़ में भाजपा द्वारा पहले से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। ज्यादा हम सीट जीतेंगे, शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पहले सीटें जीती हैं, और अब केंद्र में मोदी जी भी हैं। मोदी जी का नेतृत्व शिवराज जी का, एक ही गाड़ी में दो इंजन लग जाते हैं। विजयवर्गीय ने इस दौरान प्रदेश की सियासत को लेकर भी कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने किसी भी हालत में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कही। वहीं हर बार की तरह कांग्रेस को अपने बयानों में विजयवर्गीय कोसते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।